हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स फन टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल मीट के माइक्रोफोन के प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि योर माइक इज़ म्यूटेड बाय योर सिस्टम सेटिंग्स, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हिंट यहाँ से दे रहा है, गो टू योर कंप्यूटर सेटिंग्स टू अनम्यूट योर माइक एंड एडजस्ट इट्स लेवल। तो कंप्यूटर के सेटिंग्स में जाने से पहले मैं यहाँ इस क्रोम के सेटिंग में एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से माइक्रोफोन ऑन है या ऑफ है। तो सबसे पहले यहाँ से आप सर्च कर लेंगे MICRO। तो माइक्रोफोन यहाँ से जाने के बाद साइड सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ से माइक्रोफोन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये माइक्रोफोन मेरा ऑन है, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। आपके केस में यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए मैं आपको इस स्टेप के बारे में ही बता दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ साउंड पे आपको क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग के वाले टैब में जाना है। जो माइक्रोफोन आपका एक्टिव रहेगा उसमें ग्रीन मार्क आपको दिख जाएगा, तो फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं और इसे आप इसके प्रॉपर्टीज में भी इस तरह से जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आप लेबल्स पे क्लिक करेंगे। लेवल्स में जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपने माइक का या माइक्रोफोन का लेवल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ म्यूट म्यूट का साइन है, जो कि मुझे लग रहा है यहीं से प्रॉब्लम है। तो यहाँ से पहले मैं इसे अनम्यूट करता हूँ और इसे ओके करता हूँ और ओके। और अब मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ माइक्रोफोन एक्टिव है और यहाँ से म्यूट भी हो जा रहा है और अनम्यूट भी हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर इस सेटिंग्स को परफॉर्म करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप एक लास्ट स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले विंडोज़ के सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ से आपका ट्रबल शूट का ऑप्शन दिख जाएगा। ट्रबल शूट को में जाने के बाद यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा रिकॉर्डिंग ऑडियो। तो इस पे क्लिक करके आप रन द ट्रबल शूटर को क्लिक कर दीजिए। तो मेरा प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो ये ट्रबल शूटर किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट स्टेप था। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।